लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप मतलब विवाह के पहले एक साथ में रहना और रह के कॉम्पेटिबिलिटी देखना कि वे कॉम्पेटिबल है कि नहीं, फिजिकली एंड मेंटली, साइकोलॉजिकली, मतलब जुड़ सकता है कि नहीं, शारीरिक मानसिक कॉम्पेटिबल है क्या, ये पहले देखना और बाद में शादी करना। तो ये तो ट्रेंड फॉरेन कंट्री में बहुत ही, और अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे देश की, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है कि लोग मतलब लड़के लड़की साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। शादी के पहले देखते हैं कि क्या हम एक साथ में रह सकते हैं, अपना स्वभाव पट सकता है, सेक्सुअली फिट है नहीं है, क्या संभव है, और फिर बाद में वो रहने के बाद में फिर सोचते हैं कि भाई शादी करना नहीं करना, और बाद में शादी करते हैं। हो सकता है शादी करते भी नहीं है क्योंकि उनको शादी के बंधन में अटकना नहीं है। जितने दिन साथ में रहना उतने दिन रहे, जितने दिन नहीं रहना उसके बाद में अलग हो जाए, तो लीगली कोई बंधन नहीं है। क्या था कि पहले ये जो विवाह संस्था जो है करीब करीब 10,000 साल से होंगी, 10,000 ईयर्स विवाह संस्था है, पता नहीं कितने साल से है, और तब से हम देख रहे हैं कि मतलब बड़े लोग जो है, बुजुर्ग लोग जो है, वो अपने लड़की के लिए या लड़के के लिए वर या वधू देखते हैं। पूरे पुराने जमाने में ऐसा था कि वधु या वर एक में को देखते भी नहीं थे, बड़े लोग देखते थे, पसंद करते थे, और एकदम शादी के मंडप में वो एक दूसरे को देखते थे, वधु वर, तब तक वो देखते भी नहीं थे। अभी ऐसा हो गया कि अभी काफ़ी समाज में ऐसा है कि बुजुर्ग लोग हैं वो देखते हैं वर वधु, फिर वो एक दूसरे मिलते भी है, देखते भी है, और देख कर फिर पक्का करते भी है। अभी तो लव मैरिजेस बहुत हो गए कि इसके पहले प्यार होता है, भले एक साथ में रहते नहीं मगर प्यार है, और प्यार में मतलब डेटिंग चलता है, रिलेशनशिप में रहते हैं, और बाद में फिर शादी होती है या नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्यूचर प्लान्स, मतलब आगे क्या होने वाला है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो एक्चुअली साथ में रहते हैं, एक्चुअली साथ में ही रहते हैं। देखो प्यार में या डेटिंग है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्चुअली साथ में रहते नहीं है, भले उनके फिजिकल रिलेशनशिप आई हो मगर वो साथ में रहते नहीं है। उसमें क्या होता है कि डेटिंग करते हैं, प्यार है, लव अफेयर है, तो उसमें एक दूसरे को जान सकते नहीं है क्योंकि वो कम समय के लिए मिलते हैं, और उसमें ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और उसमें फिर क्या होता है कि ज़्यादा एक दूसरे को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, और वो रिलेशन चलती रहती है, और बाद में फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में मालूम पड़ता है कि एक दूसरे का स्वभाव क्या है। हमने बहुत सारे इसमें देखा है कि लव अफेयर है, एंगेजमेंट हो चुकी है, साल साल डेढ़ डेढ़ साल के बाद में शादी करते हैं, और शादी के एक दो महीने बाद में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, क्योंकि एक साथ में रहना पड़ता है और फिर मालूम पड़ता है एक दूसरे का स्वभाव क्या है। तो लिविंग रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो साथ में रहते हैं, सेक्स भी होता है उनका, एक दूसरे को आजमाते हैं, स्वभाव देखते हैं, और ये सबको मालूम है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, और वो कभी भी अलग हो सकते हैं, कोई बंधन नहीं, लीगली ऑल्सो उनको कोई बंधन नहीं है। एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप के बाद में डिवोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं साल डेढ़ साल दो साल समझो लिव इन रिलेशनशिप, बाद में शादी हो रही तो फिर तो डिवोर्स होने कोई कारण नहीं है, क्योंकि तब तक तो अजमा लिया है। जो ठहरा के बड़े बुजुर्ग लोग शादी करते हैं बच्चों की, तो उसमें हमारे मतलब हमारे देश में डिवोर्स का प्रमाण बहुत कम था या कम है, क्योंकि वो हमारे समाज में चलता नहीं है डिवोर्स लेना। एक रूप में रह के लोग डिवोर्स हो चुके हैं साइकोलॉजिकली, मगर लोगों के लिए समाज के लिए एक साथ में रहते हैं, पट्टा नहीं है, समझते नहीं एक दूसरे को, झगड़े चालू रहते हैं और अलग हुए रहते हैं, मगर बाहर बताते नहीं है, बस रहना पड़ता है मुंह दबा के फिर रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में चांसेस कम है कि भाई डिवोर्स हो जाएगा, तो उसके फायदे भी नुकसान भी। लिविंग रिलेशनशिप हमारे समाज में मंजूर नहीं है कि भाई ये चलता है करके, अभी तक तो नहीं है। अमेरिका में अभी मैं, मेरे एक पेशेंट है उनसे मैं बात कर रहा था, तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, वहाँ ऐप्स है, तो ऐप्स में या डेटिंग साइट्स है, वहाँ जाके अपना प्रोफाइल डाल दो, लड़के को लड़की पसंद आए तो उसको कॉल करते हो, मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, डेटिंग करते हैं, सेक्स भी करते हैं, अजमाते हैं, और ठीक लगा तो फिर आगे बढ़ते हैं शादी के लिए, और नहीं ठीक लगा तो फिर अलग हो जाते हैं। और वो बहुत ही कॉमन है, मतलब नेचुरल है वहाँ, ऐसा कुछ उसमें गलत नहीं है। हमारे यहाँ इतना ऐसा ओपन नहीं है, और इतना सारा फॉरेन कंट्रीज में होने के बावजूद भी बाद में फिर डिवोर्स होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया लिव इन रिलेशनशिप के बारे में।
नुकसान यह है कि स्त्री का कौमार्य उसमें रहता ही नहीं है, उसका कैरेक्टर मतलब कम हो सकता है या उसके बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक के साथ में रह चुकी है या दो के साथ में पहले रह चुकी है, सेक्स भी हो चुका है, तो हमारे उसका नुकसान है कि हमारे समाज में अभी तक तो मान्यता उसको नहीं है, तो लोग कैरेक्टर के बारे में बुरा बोल सकते हैं और उसको फिर एक्सेप्ट होना बात अभी अब हमारे समाज में मतलब हमारे देश में अभी संभव नहीं है। तो ये इसके फायदे और नुकसान है, बाकी फिर आपके ऊपर है कि हमने इसको अपनाना नहीं अपनाना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारा मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारी ऐप है, उसमें भी आप वो ऐप फ्री डाउनलोडिंग कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें चैटिंग कर सकते हैं, नंबर्स दिए हैं मोबाइल नंबर्स, वहाँ आपके सवाल पूछ सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है साइकियाट्रिस्ट का, हम वहाँ से आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।